दोस्तों स्वागत है आप सभी का IPL 2020 से जुड़ी एक और वीडियो में। दोस्तों IPL 2020 की स्टार्टिंग में अभी बहुत ही ज़्यादा समय बचा है, लेकिन दोस्तों IPL के ऑक्शन के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो इसी बीच दोस्तों सारी की सारी टीम ने दोस्तों अपने रिलीज और रिटर्न खिलाड़ी की लिस्ट जारी कर दिया है। तो इसी बीच दोस्तों RCB ने भी जो अपने रिलीज खिलाड़ी की लिस्ट जारी कर दिया था, उन्होंने लगभग 12 खिलाड़ी को रिलीज़ किया था। उनके रिलीज लिस्ट में बहुत ही बड़े चौंकाने नाम थे, जैसे दोस्तों स्टोनियस को उन्होंने रिलीज़ किया था, जिनका जो अच्छा प्रदर्शन होते हुए भी दोस्तों RCB ने IPL 2020 के लिए उन्होंने वो रिलीज़ कर दिया अपनी टीम से। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिटमेर की जगह कौन से खिलाड़ी को जो RCB देख रही है रिप्लेसमेंट के रूप में IPL 2020 के ऑक्शन में। तो आप जो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों अगर आगे बढ़ने से पहले आप है अगर RCB के फैन, अगर आप चल कर रहे हैं IPL का इंतजार जोरों शोरों से, दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों आप जो है IPL 2020 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप है हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर IPL 2020 के ऑक्शन की अगर बात करें तो RCB की पास जो है टीम के पास सिर्फ दोस्तों 27.9 करोड़ बचा हुआ है। तो इस रकम में दोस्तों इस टीम को बहुत ही बड़े खिलाड़ी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खिलाड़ी खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने दोस्तों सिर्फ 13 खिलाड़ी को रिटेन किया है IPL 2020 के लिए। दोस्तों इसी बीच अगर हिटमेर की अगर बात करें, पिछला सीजन की अगर RCB ने उनको बहुत बड़ी रकम में खरीदा था, लेकिन दोस्तों हिटमेर का जो प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। RCB के स्टार्टिंग के मैच में बिल्कुल ही फ्लॉप हुए थे, उनको 4 और 5 मैचों में उनको लगातार मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने अच्छा इसको नहीं बनाया और दोस्तों बड़ी पारी भी उन्होंने खेली नहीं थी। इसके बाद उनको काफ़ी मैचों में दोस्तों टीम से बाहर रखा गया और अंत के दोस्तों 2 और 3 मैचों में उन्होंने खिलाया था RCB ने हिटमेयर को दोस्तों, लेकिन उन 2-3 मैचों में आखिरी मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और हाफ सेंचुरी से भी बड़ी रकम जो है रन जो है उन्होंने बनाया था। दोस्तों इसके बावजूद उन्होंने जो है RCB ने IPL 2020 में दोस्तों के लिए उन्होंने हिटमेयर को दोस्तों रिलीज़ कर दिया है। दोस्तों अगर हिटमेयर की रिप्लेसमेंट में अगर दोस्तों बात करें उन खिलाड़ी की, तो पहले खिलाड़ी आते हैं दोस्तों इयान मॉर्गन जो है बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और IPL काफ़ी सीजन से खेल रहे हैं और काफ़ी टीमों के लिए खेल चुके हैं। पिछला सीजन वो IPL नहीं खेल पाए थे वर्ल्ड कप के चलते, तैयारी के चलते दोस्तों, तो इस बार जो है वो IPL 2020 के ऑक्शन में शामिल होने वाले हैं। तो RCB की टीम का जो है उन पर दोस्तों बहुत ही बड़ा नज़र होने वाली है। इयान मॉर्गन को अगर दोस्तों खरीदते हैं तो उनको ये बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका मिडल ऑर्डर दोस्तों एक मजबूत हो जाएगा। इयान मॉर्गन एक अच्छे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और अच्छे प्रदर्शन करते हैं, तो RCB को दोस्तों उनकी नज़र होने वाली है बिल्कुल और ऑक्शन में जो उनके पीछे बिल्कुल जाने वाली है। तो दोस्तों ये जो पहले खिलाड़ी थे जो हिटमेयर के रिप्लेसमेंट ग्रुप में देख रही है RCB की टीम, पहले खिलाड़ी का नाम था इयान मॉर्गन। वहीं अगर दूसरे खिलाड़ी की दोस्तों बात करें तो दूसरे खिलाड़ी आते हैं मैक्सवेल। दोस्तों मैक्सवेल भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछला सीजन भी उन्होंने नहीं खेला था IPL का वर्ल्ड कप के चलते, दोस्तों वर्ल्ड कप की तैयारी के चलते नहीं खेला था, और मैक्सवेल भी दोस्तों काफ़ी टीमों के लिए खेल चुके हैं IPL में और उनका काफ़ी अनुभव है IPL का। दोस्तों इस बार जो RCB की टीम भी उनके पीछे जरूर जाने वाली है अपनी टीम में शामिल करने के लिए। दोस्तों बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है IPL के ऑक्शन में काफ़ी टीमों के बीच। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि RCB की टीम जो है कौन से खिलाड़ी को IPL के ऑक्शन में खरीदेगी, आप जो है नीचे हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको IPL 2020 के खिताब RCB जीत पाएगी, आप हमें भी नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।